हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू एन एकेडमी लेट्स क्रैक इट ये स्टूडेंट जो भी सेशन के जरिए फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे होंगे एंड फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रहे होंगे फॉर देम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एम पवन कुमार एंड गेट क्वालिफाइड गॉट ऑल इंडिया रैंक वन सेवेंटी इन गेट क्लियर इट इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन आई हैव बिन इन टू दिस फील्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट फाइव ईयर जिसमें मैं गेट सी स्टेट पी एस सी एन एस एस के लिए पढ़ाते आ रहा हूँ मिनट मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड स्टूडेंट इनमें से काफी ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने अच्छे रैंक लाए हैं ंग इन सम्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक वो एनजीसी तो जस्ट मिनट ओके तो जिन्होंने भी अन अकेडमी एप डाउनलोड नहीं किया होगा आई विल सजेस्ट एवरी वन टू गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड वहां पर जाकर के आपकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड कर लेंगे जो भी स्टूडेंट क्योंकि आपको पता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अन अकेडमी आपकी प्रिपरेशन कराती है वो गेट ई एस हो एन हो नीट हो यू नो आई टी हो है ना तो यू सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो या एस एस कैटेगरी का हो तो जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वो अनकेडमी ऐप पे फ्री स्टडी या अगर आपको लगता है प्लस पे जो है ज्वाइन करना बेनिफिशियल होगा तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मैं तो यहाँ पे बात करूँगा गेट एंड ई कैटेगरी के क्योंकि जो भी स्टूडेंट गेट और ई की तैयारी कर रहे होंगे आपको क्या करना है अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड कर लेने के बाद वट यू गाइज नीड टू डू तो आपको यहाँ पे करना क्या है बच्चों जस्ट यू विल जस्ट इन रोल दैट आप करना क्या है आप अपने परमानेंट नंबर से अपने यू नो लॉग इन करेंगे अपने ई मेल आई डी को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे अन अकेदमी पर जो चीज़ मिलेगी मैं आपको बताऊँगा जैसे ही आप लॉग इन कर लिया आपने अब आप गेट टी एस सी कैटेगरी चूज किया आप गेट टी एस सी कैटेगरी के बाद आपके जो भी स्पेसिफिक ब्रांच है मैकेनिकल हो सिविल हो इलेक्ट्रिकल हो कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो तो आप पहले तो फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करो है ना तो फ्री स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए व्हाट आपको क्या करना पड़ता है आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे कोड मांगा जाएगा तो कोड अप्लाई कर देना है पी के जीरो ज़ीरो वन जैसे आप कोड अप्लाई कर देंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे क्लासेज अटेंड कर सकते हैं फिर बाद में अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ऑन प्लस तो द यहाँ पे डेली लाइव क्लास जब आप क्लासेज अटेंड करते हैं अपने एजुकेटर के सेशन को अटेंड करके वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होते हैं जो भी डाउट है आप उनसे पूछिए आपके डाउट्स को उसी वक्त सॉल्व कर दिए जाते हैं बात आती है यहाँ पे लाइव टेस्ट को इसकी तो लाइव कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज हो कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करो या फुल यू नो सिलेबस की बात करो जब आप टेस्ट देते हैं टेस्ट देने के बाद आपके लीडर बोर्ड पर इंस्टेंटली वहाँ पर रैंकिंग दिख जाएगी आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कंपेरेटिवली आपके परफॉर्मेंस कैसे हैं साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितने वक्त में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपकी एक्यूरेसी क्या रही है तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट देंगे तो आप ये सब चीज़ें इवेलुएट करके आप जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट देंगे तो आपको ये यू uh, नो you know, एक मैं कह सकता हूँ कि देखिएगा कि ये आपको पता चलेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है और जब आप नेक्स्ट टाइम देंगे तो डेफिनेटली तो आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा है ना आप अच्छा फिर करेंगे स्कोर अच्छा करेंगे और डे बाई डे इस तरह से इम्प्रूवमेंट होते रहता है राइट तो बात करते हैं हम यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं स्ट्रक्चर्स कोर्सेज मतलब का पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाता है अननेसेसरी की चीज़ें आपको नहीं दी प्रोवाइड की जाती है जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दी जाएंगी हंड्रेड परसेंट सलेबस कवर कराया जाता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है आप लाइव क्लासेस के जो वीडियोज़ हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहते हैं ऐप पर तो आप उस वीडियोज़ को जब भी देख चाहो देख सकते हो जब इनकेस अगर आपने कोई क्लास मिस कर दिया आप वीडियो देखो कॉन्सेप्ट डेवलप करो नोट्स वगैरह बनाओ प्रॉपर और पी डाउनलोड करो क्या आप क्लासेस कंटिन्यू तो कर रहे हो बाद में दो तीन महीने बाद फिर से जब सब्जेक्ट पढ़ने बैठे तो आपको चीजों को रिकॉल करना है तो फिर से आप वीडियो देखिए तो उन सबको अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे ये एक एडवांटेज है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलने वाले हैं वन टू वन गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेंस की बने प्रैक्टिस सेट होता है स्टडी ट्रैकर के जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस केस में हम ये कह सकते हैं कि आप जैसे पार्टिसिपेट करोगे आपको पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा वीकली परफॉर्मेंस कैसा है आप जब भी यू नो you know, अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है आप अपने पर्सनल कोर्स से डिस्कस कीजिए दे आर गोइंग टू हेल्प यू और आप फिर जो है अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं जितने भी बेनिफिट्स हैं प्लस के वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं नाउ बात आती है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की तो जो स्टूडेंट्स समटाइम्स व्हाट हैपन जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दे तो तो गेट कंफ्यूज कि सर कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कोड और लगाए ही सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको वहाँ पे नुकसान हो जाता है नुकसान ये होता है जब आप कोड अप्लाई करोगे तो देखो ये ये एक्चुअल यहाँ पे जो भी सब्सक्रिप्शन मंथ के फी हैं वो आपके यहाँ पर गिवन है जब आप कोड अप्लाई करोगे कोड अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफ़ हो जाता है और ऑफ़ होने के बाद डिस्काउंट होने के बाद जो आपको पेमेंट करना पड़ रहा है वो राइट right साइड में आप देख सकते हैं वन मंथ का ले लो थ्री मंथ्स का सिक्स मंथ्स टूए एटीन एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स के तो जो स्टूडेंट बिगनर है जो स्टार्टर हैं जो गेट टी सी के लिए जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जैसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर के हो या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे दे कैन एटलीस्ट गो फॉर टू ईयर्स क्योंकि आप देखो उनके पास तो दो साल का uh, इतना सफिशेंट टाइम होना चाहिए कि गेट टी में जब आप सब्जेक्ट को पढ़ो तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जब आप कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और ऐसा होता है कि जब आप सब्जेक्ट को के ऊपर आपने टाइम दिया है प्रॉपर वे में तो आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं आप चीज़ों को प्रॉपर वे में समझते भी हैं और आप अच्छा करते भी हैं तो सेकेंड ईयर की प्लान ले लो या फिर जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या दे कैन गो फॉर वन एंड हाफ़ ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट वन ईयर के लिए आप जा सकते हैं ए वैसा अब ये वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ्स उनके लिए हैं जो रिपीटर्स हैं जो जिनको लगता है कि नहीं मैंने रैंक मतलब लास्ट टाइम गेट दिया था अच्छे रैंक आए पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप यू नो टच में रहने के लिए आप प्लान ले सकते हैं आपके ऊपर है बाकी जो बिगनर हैं वो उनको तो सफिशेंट टाइम देना ही होगा मिनिमम वन ईयर के प्लान तो आपको लेना है ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रॉपरली समझ सकें और अच्छा कर सकें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे दो प्लान आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं जब आप कोड अप्लाई करोगे विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और जो पेमेंट करना पड़ता है वो आपके सामने स्क्रीन पे गिवन है बात आती है आप सबको लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके रिगार्डिंग मैं नवी गेट के बारे में बता रहा हूँ नवी गेट जो ट्वेंटी थर्ड मे को होना है मतलब इस कमिंग संडे आप लोगों के लिए ये नवी गेट जो है सुबह ग्यारह बजे आप लोगों के लिए होना है तो नवी गेट में आप इनरॉल हो जाइए कोड अप्लाई करेंगे पी के ज़ीरो जीरो वन आप फ्री इनरॉलमेंट कर सकते हैं और इस केस में जब आप फ्री इनरॉलमेंट कर लेंगे तो वट यू नीड टू बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इनोलमेंट फ्री करना है टेस्ट देना है कोशिश करनी है रैंक अच्छे लाने की और जैसे आपकी रैंकिंग अच्छी आ जाएगी फिर क्या हो जाता है फिर तो एकदम मजा हन अकेडमी आपको बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है अगर आप यू नो यू नो प्राइज़ के तौर पे आपको बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो दिए जाएंगे आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे तो ध्यान रखिए कोशिश करना है इस नवी को सीरियसली लेने का और सुबह ग्यारह बजे से टेस्ट है मैकेनिकल के हो या सिविल के हो सी एस के हो इलेक्ट्रिकल के हो या ई सी के ये इन हो सकते हैं यहाँ पे मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सेट जो कम्प्लीटली दस हज़ार के करीब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ग्रेड के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो फ्री हैं और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं तो सी एस इलेक्ट्रिकल ई सी मैकेनिकल और सिविल सी एच वाले केमिकल वाले जितने स्टूडेंट्स हैं इस, इस चीज़ का फ्रीली really, ये क्वेश्चन वगैरह आप करते रहो और बेनिफिट आप उठाते रहो ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं अकेडमी कॉम्बैट की कॉम्बैट करने की नेक्स्ट हर एक संडे को कॉम्बैट होता है जो भी स्टूडेंट अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक पे जुड़ना चाहते हैं कॉम्बैट दीजिए अच्छे रैंक लाइए कोशिश कीजिए अंडर हंड्रेड रैंक लाने की और फिर डिस्काउंट तो आपको मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ऑफर हो ही जाता है तो ये जो टेस्ट की टाइमिंग होती है वो सुबह ग्यारह बजे होती है एक घंटे का टेस्ट होता है आप इसको इनरोल करने के लिए फ्री इनरोलमेंट के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं पी के ज़ीरो ज़ीरो वन और इनरोल होश दीजिए कोशिश कीजिए अच्छी रैंकिंग लाने की बैच जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लॉन्च होते रहते हैं नाइनटीन मे को एक बैच लॉन्च हुआ है जो 2022 गेट के लिए था इवॉल्व बैच और एस एन बैच दो बैच के लिए तो इस बैच को आप यू नो ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई कोड दिस पी राइट डियर स्टूडेंट्स एनी वन ऑफ यू हु हुट्स टू फॉलो मी आपको क्या करना है आप तो कुछ नहीं करना है आप बस गेट टी सी कैटेगरी में पवन कुमार सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल वहाँ पर दिख जाएगी और प्रोफाइल दिख जाएगी तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर फॉलो करने का तरीका ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में जाके ये जो लिंक गिवन है इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं रीज़न बिहाइंड दिस कि बच्चों यहाँ पे आपको स्पेशल क्लास मैं स्पेशल क्लास कंडक्ट करता हूँ स्पेशल क्लास जो कम्प्लीटली फ्री होता है जो भी स्टूडेंट फ्री सेशनस अटेंड करना चाहते हैं वो फ्री कर लो या फिर प्लस पे आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लस के लिए ये पेड कोर्सेज हैं तो ये प्लस पे भी बच्चे जुड़ सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं तो दोनों ऑप्शन है आपके पास या तो फ्री स्पेशल क्लास या प्लस के जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं ओके चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यस वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी जो लोग कनेक्टेड हैं वेरी गुड मॉर्निंग आई होप आपका दिन अच्छा हो और हम लोग शुरुआत करते हैं जो हमारा है ना जो हमारा टारगेट है गेट राइट। तो चलिए अभी हम लोग बात कर रहे होंगे बार्स इन सीरीज एंड पैरल रिगार्डिंग क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आप गेट की बात करो ई एस सी की बात करो या पी एस में क्वेश्चन आते हैं तो हम इसके ऊपर चर्चा अभी करने वाले हैं। हम क्या बात करने वाले हैं बार्स इन सीरीज एंड पैरल राइट बार्स इन सीरीज एंड पैरल राइट बार्स इन सीरीज एंड पैरल देखो दो कंडीशन हो सकता है कि जब बार्स सीरीज में होगा तो उस केस में जब आप लोड अप्लाई करोगे तो लोडिंग कंडीशन क्या होगी अगर डिफरेंट डिफरेंट बार्स कनेक्टेड हैं आपस में सीरीज में और हम कह रहे हैं कि सर यू नो वी आर अप्लाइंग लोड और लोड अप्लाई करने के बाद व्हेन दीज थिंग्स हैपन कि सर उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा होगा तो डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं सिमिलरली पैरल के केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ना तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम बात करेंगे बार्स इन सीरीज है ना पहले हम बात करेंगे बार्स इन सीरीज वॉट बार्स इन सीरीज अब देखो सरीज कनेक्शन कैसा होता है आपने स्टेप बार देखा होगा स्टेप बार का मतलब है कि लड़ा सपोज अगर मैं ये बोलू कि हमारे पास एक बार है दिस इज अ वन बार ऐसा है इस तरह से इज हैविंग डायामीटर डायाटर डी एंड दिस बार इज अनेटेड अगेन कनेक्टेड विद अनदर बारायाड वन मोर बार इज कनेक्टेड थ्रू दिस हुआ इज डी बाई फोर मैंने क्या बोला सर इसका डाया डी इसका डाया डी बाई टू और यह डाया हमारा डी बाई फोर है मतलब सर्कुलर बार है जो कनेक्टेड है आपस में अब होगा ये कि जब आप लोड अप्लाई करोगे लड़ा सपोज एक एंड तो हमने फिक्स कर दिया है इस एंड पे फ्री एंड पे हमने क्या किया लोड अप्लाई किया तो लोड अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि सर इस बार के अंदर क्या होगा इलांगेशन होगा क्योंकि लोड का नेचर कैसा है टेंसाइल है लोड no, का नेचर, नेचर अगर टेंसाइल है लेट अस सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि जो बार का लेंथ है वो इस बार का लेंथ एल है इसका लेंथ एल है एंड इसका भी लेंथ एल है राइट right? मतलब लेंथ कांस्टेंट है आपने लोड अप्लाई किया जैसे ही आप लोड अप्लाई करोगे अब क्या होगा बार के अंदर इलांगेशन होगा बार के अंदर लेंथ में चेंजेस आएंगे है ना मतलब जिस डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई किया उस डायरेक्शन में हम जानते हैं एक्जिया लोड जब आप अप्लाई करते हो उसी उस, उस डायरेक्शन में क्या होता है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन डेवलप होता है और वो स्ट्रेन की वजह से क्या होगा बार का जो मतलब डायमेंशन है लेंथ है वो यू नो इनक्रीज होगा है ना क्योंकि यहाँ पे नेचर कैसा है टेंसाइल नेचर है लोड का अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रहा था तो आप कह सकते हैं कि जो सर इस केस में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है मतलब जो इलागेशन हो रहा है जो चेंजेज़ आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस चेंज को आप कैसे कैलकुलेट करते हो तो हम बोलेंगे कि सर इस केस में डेल्टा वन है या डेल्टा टू है डेल्टा थ्री है, है ना डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री मतलब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आप पी एल बाई ए ई से कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमने बोला कि सर इस केस में जो हमारा इन दिस केस जो डिफॉर्मेशन है ना ये डेल्टा वन का है और इसमें डेल्टा टू है और इसमें डेल्टा थ्री है तो जरा देखो यहां से अगर मैं ये बोलू कि डिफॉर्मेशन यहां पे मैं अगर कैलकुलेट करूं वैन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिफॉर्मेशन इन दिस केस तो टोटल डिफॉर्मेशन इस बार का क्या हो जाएगा इस बार का आप बोलोगे स्टेप बार जो आपने देखा है इसका टोटल डिफॉर्मेशन इस केस में दिस कैन बी रिटर्न एज क्या होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री एकदम समझना है इस चीज को इज इट होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि अगर बार सर सीरीज में है तो इस केस में जो डिफॉर्मेशन आ रहा है टोटल डिफॉर्मेशन वो हर एक बार के अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा था जो चेंजेस आ रहे थे है ना लेंथ के अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा था उसका समेशन होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये क्यूमिलेटिव एडिशन है है ना क्यूमिलेटिव एडिशन होगा तो जब हम कैलकुलेट करते हैं डिफॉर्मेशन राइट बार के अंदर और बार कैसा है सीरीज में कनेक्टेड है दिस बार इज कनेक्टेड इन सीरीज यू कैन क्लियरली सी की टोटल डिफॉर्मेशन कम्स आउट टू बी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री नाउ मैंने आपको बताया था मैंने आपको क्या बताया था कि सर अगर आप इस सेक्शन के ऊपर देखो यहाँ पे इस फ्री एंड के ऊपर आपने क्या किया है आपने एक लोड लगाया है और लोड की मैग्नीट्यूड मैंने बोला कि सर पी अमाउंट ऑफ लोड विच इज एक्टिंग ऑन दिस क्रॉस सेक्शन है न यहाँ पे आपने पी अमाउंट ऑफ लोड लगाया है तो इस केस में आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि सर लोड बाकी के क्रॉस सेक्शन पे कहीं और तो एक्ट नहीं कर रहा सिर्फ फ्री एंड के ऊपर आपने एक लोड लगा दिया पी अमाउंट का इसकी मैग्नीट्यूड पी है है ना पी किलो न्यूटन कुछ भी हो सकता है न्यूटन किलो न्यूटन कुछ भी हो सकता है आपने यहाँ पे जैसे अप्लाई किया तो आप यहाँ से ये यह कह सकते थे कि सर लोड क्या मैं कह सकता हूँ कि जो लोड होगा ना हर एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं लोड के बारे में बात करूँ तो लोड जो है हर एक सेक्शन में बराबर होगा अगर मैं ये कहूँ कि सर इसमें पी का लोड है यहाँ पर पी का पी का लोड है और यहाँ पर पी का लोड है तो यहाँ से आप ये कह सकते थे कि सर ये पी वन और P3 क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा बात आ रही है समझ में P1 P2 P3 टू पी विल बी इक्वल तो कभी भी जब हम बात करते हैं कि सर सीरीज में यू नो इफ बार्स आर कनेक्टेड तो जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्यूमिलिटिव एडिशन होता है एंड जो लोड होता है वो हर एक सेक्शन के ऊपर जितना लोड डेवलप हो रहा होगा वो टोटल लोड के बराबर होता है मतलब लोड कॉन्स्टेंट होने की वजह से हम कहेंगे कि सर लोड तो समान होता है बराबर हो जाता है आ रही है समझ में ठीक है तो कंडीशन इस केस में अगर मैं ये कहूँ कि सर इस इस ये जो कंडीशन आप देख रहे हो कि ये जो बार सीरीज में और ये कंडीशन आप देख रहे हो ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एजम्पन्स हम लेते हैं और एजम्पन्स आप जान चुके हो कि क्या होना चाहिए बार शुड बी प्रिजमेटिक बार शुड बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल है ना एंड बार शुड बी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग ठीक है तो यहां पे जब हम एजम्पन्स की बात करते हैं वेन वी आर गोइंग टू टॉक ऑन एजम्पन्स तो क्या है ये आप एजम्पन्स जो है स्टार्टिंग में ही देख चुके थे जब मैंने आपको बताया था ये एजम्पन्स राइट वो एजम्पन्स मैंने क्या लिखा था याद है कुछ पहले तो बार प्रिजमेटिक होना चाहिए मतलब क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए पहला कंडीशन तो ये है कि सर बार क्या होना चाहिए बार शुड बी बार शुड बी प्रिजमेटिक राइट सेकेंड बार शुड बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बार जो है ये क्या है सेम मटेरियल का ही बना होना चाहिए क्या मैं कह सकता हूँ सर बार शुड बी मेडअप ऑफ सेम मटेरियल राइट एंड लास्ट वन विल बी व्हाट बार शुड बी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग देख लो ये लोडिंग क्या है प्योर एक्सियल लोडिंग है है ना प्योर एक्सियल लोडिंग तो हम कह सकते हैं कि सर बार शुड बी अंडर राइट ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ये चीज आप नोट डाउन करते रहेंगे बच्चे ठीक है फोकस यहाँ पे होना चाहिए जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं प्रॉपरली तो उसको समझना भी ज़रूरी हो जाता है ठीक है अब देखो ये सीरीज कंडीशन है अब जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे देखो ये आपका डाया गिवन है ना डाया डिफरेंट डिफरेंट गिवन है इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा सीरीज कंडीशन में तो आपको यहाँ से जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट दिस मैंने बोला कि सर हमारे पास बार्स हैं जो कनेक्टेड हैं सीरीज में और ये बार्स के जो डाया मीटर हैं वो कितने हैं तो डी डाया और ये कनेक्टेड है हमारा डी बाई टू एक क्रॉस सेक्शनल मतलब डायमीटर से एंड दिस इज अगेन डी बाई फोर ऐसा है डी बाई फोर और इस एंड को हमने क्या कर रखा है इस एंड को हमने फिक्स्ड कर रखा है एंड यू जस्ट हैव अप्लाइड लोड ऑन दिस फ्री एंड आपने क्या किया इस फ्री एंड के ऊपर पी अमाउंट ऑफ लोड अप्लाई किया अब बात आती है इस चीज़ को समझने की मैंने कहा कि सर इसका जो डाया था वो कितना आई हैव जस्ट टेकन दैट कि सर ये जो डाया है ना वो डी है राइट प्रॉपर्टी सेम है मैंने क्या माना प्रॉपर्टी सेम है यहाँ पे डायमीटर डी बाई टू और प्रॉपर्टी सेम है ये डायमीटर कितना डी बाई फोर और प्रॉपर्टी यहाँ पे भी मतलब सेम मटेरियल के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो है ना सेम मटेरियल के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो तो अब कैन एनी वन से कि यहाँ जो लोड होगा वो लोड क्या होगा जब आप लोडिंग डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करोगे एक्सल लोडिंग डायग्राम तो वो कितना आएगा एंड ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी ठीक है फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए मैंने आई आस्क समथिंग कि आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर लाजवाब चल रहा है तो आई होप ऐसे ही आप परफॉर्म करते रहो बच्चों राइट right? हाँ इसको सॉल्व करके बताएंगे कितना होगा लोड एक्सियल लोडिंग डायग्राम सबसे पहले तो लोडिंग डायग्राम आप ड्रॉ करो एक्सियल लोडिंग डायग्राम एवरीबडी जस्ट ड्रॉ दिस एंड टेल मी कि क्या आ रहा होगा सर क्विकली ड्रॉ करके बताइए एक्सियल लोडिंग डायग्राम क्या हो रहा होगा फटाफट सब लोग बताएंगे कि एक्सेल लोडिंग डायग्राम क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना यहाँ पे देखो अगर आप लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा यू जस्ट सी दैट सर ये कंडीशन ऐसा है जहाँ पे हम ये कह रहे हैं ना ये क्रॉस सेक्शन जब हम यहाँ पे लोड के बारे में बात करते हैं तो लोड जो होगा अलग उपर, अलग क्रॉस सेक्शन के ऊपर अलग अलग क्रॉस सेक्शन के ऊपर आई एम गोइंग टू ड्रॉ लोड आप क्या बोल सकते हैं सर यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे लोड हमारा कितने अमाउंट का लग रहा है पी अमाउंट का ठीक है यहाँ पे हमारा पी अमाउंट का लग रहा है और किसी क्रॉस सेक्शन पे नहीं एक्ट कर रहा मतलब ये यूनिफॉर्म प्योर एक्सियल लोडिंग का कंडीशन होगा और जो लोड होगा ना वो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन के ऊपर सेम ही होगा पी अमाउंट ऑफ लोड राइट लोड जो होगा वो कितना होगा पी अमाउंट ऑफ लोड आ रहा होगा और कैसा नेचर टेंसाइल है तो ये पॉजिटिव होगा एंड दिस इज़ वॉट एक्सियल लोडिंग डायग्राम एक्सियल लोड डायग्राम हमने ड्रॉ किया सी नाउ वेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस कि सर सी ऐसा है यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस मतलब फाइंड फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस ठीक है पहला मैक्सिमम स्ट्रेस रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस समझना इस चीज को एंड ऑल्सो थर्ड कंडीशन में आपसे यह बोला गया थर्ड कंडीशन में आपसे यह बोला गया कि सर इस केस में मिनिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड मिनिमम स्ट्रेस राइट ये आपको कैलकुलेट करना मिनिमम स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस ये ऐसा इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कभी भी अगर कोई भी बॉडी लोडिंग कंडीशन में है तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा जहाँ भी जिस भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर जिस भी सेक्शन के ऊपर यू नो मटेरियल के ऊपर अगर मैक्सिमम लोड स्ट्रेस आ रहा होगा उस वही मटेरियल हमारा क्या होगा क्रिटिकल कंडीशन में होगा मतलब फेलियर हमारा वहीं पर हो सकता था फेलियर हमारा वहीं पर हो सकता था ये आपको ध्यान रखना है तो जरा देखिएगा जब आपने कैलकुलेट किया सर यहाँ पे लोड आपने पी अमाउंट ऑफ लोड यहाँ पे कैलकुलेट किया तो आप तो कह सकते थे कि सर जब इसमें हमने कैलकुलेट किया है लोड तो यू कैन क्लियरली सी कि सर लोड पी वन और पी टू और पी थ्री में ये बराबर है विच इज पी ये वन ये टू और ये थ्री मैं ऐसा मानता हूँ ठीक है ये तो बराबर है नाउ जब आप बात करते हैं सर सिग्मा मैक्सिमम की तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा अब क्योंकि ये एक्सियल लोडिंग के वजह से जो स्ट्रेस होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा और स्ट्रेस जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सियल स्ट्रेस जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है लोड पर यूनिट एरिया तो आप जान लो कि अगर लोड पर यूनिट एरिया हमारा स्ट्रेस है यहाँ पे सिग्मा लोड पर यूनिट एरिया ऐसा लिखते हैं तो लोड तो कॉन्स्टेंट है स्ट्रेस उस पोर्शन में ज़्यादा होगा जहाँ पे एरिया मिनिमम हो रही होगी तो आप यहाँ से क्लियरली देख के बता सकते हैं कि सर ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे तो इस वाले सेक्शन में मतलब थ्री वाले सेक्शन में इस वाले सेक्शन के अंदर क्या है स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा ऐसा क्यों क्योंकि ये एरिया जो है वो मिनिमम है राइट तो सिग्मा मैक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा थ्री विच कैन बी आल्सो रिटन एज क्या लिख सकते हैं सर लोड पर यूनिट एरिया और पाई बाय 4 डायमीटर कितना है डायमीटर इज डी बाय 4 होल स्क्वायर तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट कर ले जाते हैं तो क्वेश्चन में आप देख लो ये हो जाएगा सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर और यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले जाते हैं सिक्सटी फोर पपी बाई पाई डी स्क्वायर है ना बच्चों राइट right? तो सिग्मा मैक्स आप यहां से कैलकुलेट कर जाते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो सेक्शन है ये वाला जो बार है ना यही बार को हमें सेव करना है क्यों क्योंकि सर इस केस में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस यहीं से निकल तो रहा है सर मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पे आ रहा है राइट right. अगर मैं मिनिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करूं तो मिनिमम स्ट्रेस देख लो कितना हो जाएगा मिनिमम देखो अब जिस भी क्रॉस सेक्शन डायामीटर जहां पे डायामीटर मैक्सिमम है डायामीटर मैक्सिमम का मतलब ये वाला डाया है ना इस सेक्शन में तो सिग्मा मिनिमम कहां पे सिग्मा वन कैन बी रिटर्न एज लोड पर इन एरिया एंड दिस विल बी फाइव बाई फोर डी स्क्वायर और यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर ले जाते हैं तो ये आ जाता है फोर पी फाइव डी स्क्वायर बात आ रही है समझ में बच्चों आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस है ना तो सिग्मा मैक्सिमम आपने कैलकुलेट कर लिया सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट कर लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर हम इस सेक्शन को अगर हम सेफ़ कर दें ना इस वाले को तो ऑटोमेटिक बाकी के तो सेफ हो ही जाएंगे क्यों क्योंकि बाकी में तो इनसे कम ही स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो बच्चों अगर इस केस में मुझे एक चीज़ बता दो तो, जल्दी से सब लोग अब बात आती है यहाँ पे सेकंड में कंडीशन में क्या पूछा गया है रेशियो रेशियो पूछा गया तो रेशियो का मतलब कितना देखो थर्ड आपने यहाँ से अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूँ तो रेशियो हो जाएगा सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा मिनिमम का रेशियो और ये हो जाता है देख लो यहाँ से ये हो जाएगा पी बाय फाइव बाई फोर डी स्क्वायर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम हमारा देखो स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा था ये वाला पोर्शन पे तो डी बाई होल स्क्वायर कभी भी इस लेटर सपोज कि ये डी वन है इसका डाया मैंने डी वन बोला और ये डाया मीटर डी थ्री है, है ना मैक्सिमम इस केस में था और मिनिमम इस केस में था तो जरा समझने की कोशिश करना जब आप मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्टली यहां पे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी देखो जब आप कैलकुलेट कर रहे हो मैक्सिमम किस केस में है इस वाले पोर्शन में है तो आप यहां से बोलोगे सर पाई बाई फोर है ना मैक्सिमम के केस में पाई बाय फोर सिग्मा जब आप कैलकुलेट करते हैं तो लोड विच इज कॉन्स्टेंट तो लोड इस केस में हमारा पी है और जो एरिया होगा ऑफ द क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू तो पाई बाई फोर सी दिस विल बी इक्वल टू डी थ्री स्क्वायर अपॉन पाई बाय फोर हो जाएगा लोड पर यूनिट एरिया P बाय फाइव बाई फोर डी वन स्क्वायर राइट तो यहां से आप देख के क्लियरली कह सकते हैं कि ये वाला ये ये तो सर कैंसल आउट हो जाएगा आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा राइट right? और कैंसिल आउट होने के बाद जो भी आपको यहां पे मिलता है ना ये आ जाएगा D1 वन बाई डी थ्री होल स्क्वायर तो देखो D1 का मतलब कौन सा है D1 हमारा ये है मतलब ये हमारा d मैक्स है d मैक्स है और d3 हमारा क्या है d मिनिमम है तो जब आप यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करोगे ना सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा मिनिमम तो ये कितना आ जाता है डायरेक्टली आप लिख सकते हैं सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा मिनिमम विल बी इक्वल टू सी दिस कैन बी रिटर्न एज कितना हो जाएगा तो ये डी वन हमारा डी मैक्सिमम है मतलब डी मैक्स बाय डी मिनिमम होल स्क्वायर राइट ये डायरेक्टली आप इस ऑब्जेक्टिव वगैरह में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं है ना हमेशा आप इसको यूज कर सकते हैं right? राइट तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू कितना आ रहा है जस्ट कैलकुलेट यस वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी गुड मॉर्निंग ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है अभी क्योंकि आप जब कमेंट कर रहे होते हो ना बच्चे एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं आपके कमेंट्स कभी कभी बाद में हम लोग देखते हैं तो ऐसा कोई नहीं कि एक बार आपने बोल दिया गुड मॉर्निंग आपके मैसेज मेरे को दिख गया है ना तो जब भी मैं दिखूँगा तभी मैं आपको रिप्लाई करूँगा ना चलिए देखिए तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मिनिमम सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मिनिमम तो ये कितना आ जाता है बच्चों डी मैक्सिमम कितना है हमारा चेक दिस आउट डी मैक्सिमम कितना है तो डी है और डी मिनिमम कितना है तो डी बाई फोर है डी बाई फोर होल स्क्वायर देख लो ये कितना जा रहा है कि डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा दिस डी से डी विल गेट कैंसल आउट दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच ये हमारा आ जाता है राइट right? सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम का जो रेशियो है ये कितना आ रहा है क्या जा रहा है इज इट ओके बच्चे समझ तो में आई बात अब सीरीज कनेक्शन का केस है तो आपको क्या करना है आपको बस यहां पे कैलकुलेट कर ले जाना है टोटल डिफॉर्मेशन अभी आप आपने स्ट्रेस तो कैलकुलेट कर लिया लोड के लगने की वजह से आपने स्ट्रेस कैलकुलेट किया अब पूछा गया अगर इसी में मैं ऐड कर दूं फाइन टोटल डिफॉर्मेशन ठीक है फोर्थ पार्ट अगर मैं ये ऐड कर दूं फाइंड टोटल डिफॉर्मेशन राइट चलिए टोटल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा होगा जल्दी से फटाफट -पड़ सब लोग टोटल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए और बताइए देखो टोटल डिफॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेटेड जाए हम देखो डेल्ट अभी क्या है क्यूमिलेटिव एडिशन हो जाएगा तो डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री होगा ना अरे यस और नो और जब डेल्टा वन हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो डेल्टा वन हो जाएगा डेल्टा बेसिकली पी एल बाय ए होता है तो हम कहेंगे कि सर ये पी एल बाई ए ई ऑफ दिस पोर्शन वन पी एल ऑफ़ द बार टू एंड सिमिलरली पी एल बाई ए ई है ना तो देखो लोड हमारा कांस्टेंट है हर एक बार के ऊपर जो लोड एड कर रहा है वो पी अमाउंट ऑफ लोड एड कर रहा जो है जो कांस्टेंट है राइट ये लोड हमारा कांस्टेंट है हर एक बार में दिस लोड इज कांस्टेंट अच्छा लोड कांस्टेंट है मतलब लोड सेम है साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी सेम है मटेरियल का तो कौन कौन सा सेम है ये पी सेम है एल भी सेम है लेंथ हमने क्या लिया है लेंथ हमने बोला कि सर ये एल 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 सेम ही है है ना लेंथ ऑफ दिस बार आई हैव टेकन एज एल एंड दिस आर सेम तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले गए, तो आप यहाँ से आप देखो क्लियरली देख सके बता सकते हैं पी हमारा सेम है एल हमारा सेम है e ई हमारा सेम है मतलब पी एल बाई ए को हम लोग पी एल बाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं राइट पी एल बाई ए को हम क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं राइट right? बच्चे पी एल बाई को हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू प्लस वन अपॉन ए थ्री अब ए वन विल बी फाइव बाई फोर डी स्क्वायर ए टू विल बी फाइव बाई फोर डी बाई टू होल स्क्वायर

यहाँ से देख लो कौन कौन सा टर्म कॉमन आ जाएगा फिर आप बोलोगे सर ये पी एल और पाई डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सब में से ठीक है सर कॉमन ले लेते हैं ऊपर यहाँ पे जाएगा फोर और ये हो जाएगा आपका सिक्स ऊपर जो पोर्शन में जाने वाला है टॉप पे नोमेटर में ये क्या आ जाएगा फोर इंटू फोर मतलब सिक्सटीन और ये हो जाएगा फोर इंटू सिक्सटीन मतलब सिक्सटी है ना यही होगा ना तो आप जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है फोर प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्सटी फोर मतलब एटी फोर पी एल बाई फाइव डी स्क्वायर इन टू ई आ रहा है तो टोटल डिफॉर्मेशन आपने कैलकुलेट कर लिया राइट जस्ट ये इसलिए मैं बता रहा हूँ इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ ताकि ना आने वाले जो कुछ क्वेश्चन होंगे कुछ हम लोग गेट के क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप जो है कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को समझ सके कर सके इज इट ओके बच्चों जिन्होंने जो भी लाइफ पे यहाँ पे प्रेजेंट है इज इट ओके टू एवरीबडी बिकॉज हुन दिस लाइव सेशन आई होप इट इज क्लियर सबको यह चीज क्लियर होगा ओके ठीक है ना यही आ रहा है ना चेक दिस आउट आर यू ऑल गेटिंग दिस or नॉट सबका यही आ रहा था अच्छा लोड कैसे सेम हुआ मैं बता देता हूं देखो समझिएगा समझना बच्चे जब भी हम एक्सियल लोडिंग कंडीशन पढ़ते, है पढ़ते हैं ना एक्सियल लोडिंग कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है देखो स्टेप बार हमने लिया है अलग अलग क्रॉस सेक्शन के ऊपर लोड्स मैंने यहाँ पे बात की है जिसके क्रॉस सेक्शन डायमेंशन डायमीटर डिफरेंट है राइट right? डायमेंशन क्या है डायमीटर डिफरेंट है अब हमने ये बोला कि सर इस सेक्शन के ऊपर फ्री एंड में जो हमारा लोड एक्ट कर रहा था वो पी अमाउंट ऑफ लोड एक्ट कर रहा था ठीक है अब आप क्लियरली देख के बता दो कि सर इस केस में किसी भी बाकी के सेक्शन क्रॉस सेक्शन के ऊपर कोई और लोड एक्ट नहीं कर रहा था तो अच्छा आपका कहना है कि सर यहाँ पे अगर ये लोड एक्ट आप देखो ना आप या तो आप या तो इस, इस बात देखो समझो समझो मैं बता रहा हूँ समझिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए देखो आप एक कंडीशन ले लो ऐसा आप एक कंडीशन ऐसा ले लो ये देखो एक कंडीशन ऐसा हमने लिया अब मैंने बोला कि सर यहाँ पे इसका ये जो सर्कुलर बार है इसका क्रॉस सेक्शन डायमीटर जो है वो मैंने डी मान लिया वो मैंने क्या मान लिया डी मान लिया समझना ये मैंने डी मान लिया राइट आपने क्या किया है इस फ्री एंड के ऊपर एक लोड लगाया पी थी। ठीक है अब राना मुखर्जी मुझे आप बताइए कि क्या अगर पी एंड यहाँ पे फ्री एंड पे हमने पी लोड लगाया है तो क्या मैं इस केस में जब मैं बात करूँगा यहाँ पे ये यह जो बार है ये सर्कुलर बार जो है सर्कुलर मटेरियल सॉलिड मटेरियल जो आप देख रहे हो ना ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के बने हुए मतलब आप कहीं पे भी कट करो एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा कट कर, कर दिख, दिखेगा राइट right? मतलब आप कट करेंगे कट करने के बाद जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने चीजों को कट किया है वहां से जब आप देखोगे क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना ये देखो यहाँ इसको मैं कट करता हूं और जस्ट कट करने के बाद जो प्लेन आप देखते हो क्रॉस सेक्शन आप देखते हो क्रॉस सेक्शन मतलब सामने से ये देखोगे तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन देखो ये सर्कुलर दिखेगा तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन जैसे ही कट करोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिखेंगे है ना ऐसा ही तो दिखेगा तो आप लोड मुझे बता दो कि अगर यहाँ पे इस फ्री इस एंड के ऊपर आपने लोड पी लगाया है तो ये वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या होगा लोड सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा सिमिलरली इस वाले लोड इस सेक्शन के ऊपर भी लोड सेम होगा या डिफरेंट होगा बताइए राना आप बताइए मुझे क्या आप अग्री करोगे कि सर किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर आप लोड के बारे में बात करोगे लोड तो हमारा सेम ही होगा ना यस और नो तो इस कंडीशन में जब मैं बात करूंगा सी जब मैं यहाँ पे एक्सियल लोडिंग डायग्राम में ड्रॉ करूंगा तो आप बोलोगे सर यहाँ से अगर मैं ये कि सर ये ए बी सेक्शन है यहाँ पे ए बी है ए बी है आपने क्या बोला आपने जस्ट फ्री एंड के ऊपर लोड लगाया पी अमाउंट का तो क्या यस yes, ये जो लोड होगा ये क्या होगा टू आउट सेम होगा टू आउट सेम होगा राइट right, राइट right, ये कंडीशन मैंने आपको ऐसे कवर कर रखा है yes, यस देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं दे आर गिविंग द आंसर रेगुलर होना बहुत जरूरी है बाकी आपको मैं समझा समझा के थक गया रेगुलर नहीं होगे क्लास में फिर तो दिक्कतें आएंगी ठीक है यहाँ पे जो बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है देखो तो आपने बोला कि सर यहाँ पे हर एक सेक्शन के ऊपर लोड सेम था तो अब अब मैं यही कंडीशन तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन देख रहे हो बस भले डायामी आपने चेंज कर दिया फर्क क्या पड़ता है अगर आपने मीटर चेंज कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है चेंज किया बस लोड तो सेम ही होगा ना हर एक सेक्शन के ऊपर लोड सेम ही होगा तो जब इस कंडीशन में लोड हर एक सेक्शन के ऊपर सेम था तो क्या इस कंडीशन में लोड हर एक सेक्शन के ऊपर सेम नहीं होगा क्या बिल्कुल होगा समझ तो पा रहे है बच्चों अरे ऐसा और राइट तो लोडिंग विल बी सेम करेक्ट है लोड्स विल बी सेम क्लियर है ओके वेरी गुड वेरी नाइस चलिए इफ यू ऑल आर एन्जॉइंग दिस सेशन इन इफ यू थिंक दैट यस सर चीज़ों को लर्न कर रहे हैं तो आप आपका प्रेजेंस जो है लाइक से आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे लाइक है बटन है लाइक क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं कि भैया हाँ हम एंजॉय कर रहे हैं इससे क्या होता है वी एजुकेटर्स एजुकेटेडो गेट्स मोटिवेटेड है ना चलिए खैर अब आ, अब आते हैं बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट हम अगर बात करें ये सीरीज क्या इस इस कंडीशन में आपने देखा कि सर ये कनेक्शन कैसा था सीरीज का कनेक्शन था अब जब हम बोले कि सर पैरल कनेक्शन है हमारा कंडीशन होगा ये हमने देखा सर पहला कंडीशन जो हमने देखा था वो कैसा था सीरीज कनेक्शन था बार इन सीरीज नाउ सेकंड व्हेन आई एम गोइंग टू कंसीडर मैं बात करूंगा सेकंड कंडीशन में बार इन पैरल पैरल कंडीशन कैन एनी वन से पैरल कंडीशन कैसा होगा कैन एनी वन ऑफ यू से ठीक है पैरल कनेक्शन जो है वो कैसा होगा पैरल कनेक्शन की जब हम बात करेंगे कैसा होगा जल्दी से बताइए पटली टेलमी पैरल कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ अच्छा कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं सुनो ना सीरीज में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम ना बार्स पैरल कंडीशन में आते हैं ठीक है ये हम देखते हैं पहले सीरीज कनेक्शन क्योंकि आई कैन फील सम ऑफ यू आर गेटिंग मतलब जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं जो अभी आ रहे हैं आज तो उनको थोड़ा सा इशू हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एक एक कंडीशन आपने देखा कि फ्री एंड पे हमने क्या किया है आ, लोड जो है वो सेम लगाया है फ्री एंड पे लोड एक कॉन्स्टेंट लोड लगाया है उस वजह से क्या है थ्रू आउट क्या है यहाँ पे हमारा कंडीशन ऐसा था कि सर जो लोडिंग आपने फ्री एंड पे एक कॉन्स्टेंट लोड लगाया लगाया था एक्ज लोड लगाया था उस कंडीशन में यूनिफॉर्म लोड था एक्जियल लोडिंग कंडीशन था और इस वजह से आपने कंडीशन देखते हुए चीजों को कैलकुलेट किया ठीक है हाँ यस यस ठीक पैरल कंडीशन हम अभी देखेंगे पहले हम कुछ क्वेश्चन सीरीज पे कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं फिर हम लोग पैरल कनेक्शन के बात करेंगे ठीक है अब देखो एक कंडीशन मैंने आपको बोला हाँ ठीक है देखो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा हमने अभी क्रॉस सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट लिया था और हमने क्या किया लोड को कांस्टेंट की रखा था राइट right? नाउ इस केस में हम क्या कर रहे हैं क्रॉस क्रोसेक्शन डायामीटर जो होंगे वो सेम है इसमें हम क्या करेंगे तो डायामीटर मैं सेम रख रहा हूं इसको डायमीटर सेम रख रहा हूँ ठीक ऐसा है कि डायमीटर हमने सेम रखा एंड को हमने क्या किया फिक्स कर दिया इस एंड को हमने क्या किया फिक्स कर दिया देखिएगा अब आप ये जो सेक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर मैं बात करूंगा यहाँ पे ठीक है यह हमारा ए है ये बी पॉइंट है ये सी है और यह डी है अब आप देखिएगा हमने क्या किया पीछे केस में हमने लोड सिर्फ एक ही फ्री एंड पे हमने लगाया था यहाँ पे हम और जो डायमेंशन थे डायमीटर थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे हमने क्या किया है इस सेक्शन के ऊपर देखो डायमीटर सेम रखा है मटेरियल सेम है अब हम क्या कर रहे हैं ना लोडिंग कंडीशन को अलग अलग कर रहे हैं मतलब यहाँ पे अब मैं ये बोलूंगा कि सर इस अमाउंट पे इस एंड पे हमने लोड पी लगा दिया इस इस एंड पे हमने टू पी का लोड लगा दिया ठीक है और यहां पे एक टेंसाइल लोड हमने क्या किया का नाउ अब इस केस में आपको पहले फाइन करना है सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम सेकेंड रेशियो मतलब सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा मिनिमम का रेशियो एंड थर्ड डेल्टा टोटल टोटल डिपोमिटर जहां पर मैंने ये बोला डायमेंशन डायामीटर क्या है इस मटेरियल का डी है और प्रॉपर्टी ई e हमने रखा थी लेंथ हमने क्या लिया सेम सेम लेंथ हमने लिया चलिए कैलकुलेट कीजिए हाँ हाँ हर एक सेक्शन के ऊपर लोड डायग्राम ड्रॉ करो हर एक सेक्शन के ऊपर ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है बच्चा इसमें कुछ अलग नहीं है बस अलग ये है कि डिफरेंट सेक्शन के ऊपर लोड हमने अलग अलग लगाए हैं अब क्या करो वैसे ही लोडिंग डायग्राम ड्रा कर लो हम जानते हैं कि सर टेंसाइल लोड होगा तो पॉजिटिव कंप्रेसिव होगा तो नेगेटिव और उस सेक्शन के ऊपर हम लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करने के बाद आप बता दीजिए कि इस केस में मैक्सिमम कितना होगा ठीक है कि ऐसा कर लेते हैं इसको मैं क्या कर देता हूँ इसको ना फोर पी कर देता हूं ठीक ना मैं फोर पी चलिए फाइन कीजिए जल्दी से क्विकली मैंने आंसर बताइए कितना आएगा एवरी वन यस फ्री बॉडी डायग्राम लोडिंग डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए और बताइए हो जाएगा विल यू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन पहला है सिग्मा मैक्सिमम कैलकुलेट करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है नहीं आएगा सॉल्व करें क्वेश्चन <laughs> देख के चलो देखते हैं आ जाएगा नहीं आएगा चलो सॉल्व कर लेते हैं देखो ठीक पहले तो हम लोग लोडिंग डायग्राम देखेंगे एक्सियल लोड डायग्राम अच्छा आप में से किसी कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर सेक्शन की बात कर रहे हैं पर यहाँ पे डी और सी और बी पॉइंट आप दिखा रखे हो बेसिकली जो लोड ये आप अप्लाई करते हो ये पॉइंट लोड ही होता है एक स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट पे आप लोड अप्लाई करते हो बट वो पॉइंट लोड की वजह से क्या होगा सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा वो तो पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर इफेक्ट आएगा ठीक है तो इस वजह से ये जो डी ए सी ऐसा मैंने डी सी बी ऐसा दिखा रखा है ऐसा सिर्फ नहीं है कि सिर्फ डी पॉइंट पे ही लोड आएगा लोड का मतलब है लोड तो वैसे भी पॉइंट लोड होता है बट जब क्रॉस सेक्शन आप कंसिडर करोगे ना तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो होगा टोटल परपेंडिकुलर द क्रॉस सेक्शन जो लोड एक्ट कर रहा होगा उस केस में जब आप एरिया कंसिडर करोगे तो वो वाला एरिया आपको लेना है अब देखो यहाँ से आप देख के बताइए कि सर इस केस में जब आप लोड डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है यहाँ से ये दिख रहा है कि सर इस 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 एंड पे ना इस वाले डी ए ए बी सी डी ए बी सी डी इस सेक्शन के ऊपर फ्री एंड पे आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि लोड कैसा है टेंसाइल है कि अमाउंट ऑफ लोड अब डी से सी कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा था डी से सी कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा था मतलब डी से सी तक हमारा कांस्टेंट लोड ही होगा और इसका नेचर कैसा होगा टेंसाइल होगा तो टेंसाइल है इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ पॉजिटिव का मतलब इस लाइन से ऊपर ड्रॉ करोगे नेगेटिव का मतलब इस लाइन से नीचे ड्रॉ करोगे ठीक है फिर जब सी पे आए तो जैसे ही आप सी पे आए तो सी पे आपने देखा कि अब डायरेक्शन जो है लोड का चेंज हो गया और लोड का डायरेक्शन चेंज हो गया तो कैसा दिखा ये टू पी का कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा था तो जब टू पी का कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है तो यहाँ से आप देखो टोटल लोड इस पॉइंट पे कितना था इस सेक्शन के ऊपर इस वजह से पी और फिर यहाँ पे टू पी का मतलब अब क्या होगा लोड जो है वो चेंज हो रहा होगा और यहाँ से पी माइनस टू पी मतलब सी के ऊपर कितना लोड होगा तो माइनस पी का होगा राइट right? P माइनस ऑफ टू पी ये कितना होगा माइनस पी का अब माइनस पी का मतलब क्या है यहाँ से लेके C से लेके B तक आप जब आते हैं तो कांस्टेंट लोड कितने का माइनस पी लोड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है नेचर कैसा हो गया चेंज हो गया समझ तो में आ रही है बात तो ये P और B से अब B पे क्या है ये P अमाउंट ऑफ लोड एक्ट कर रहा था और B पे जैसे ही आपने देखा कि फोर पी का एक टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है तो ये माइनस पी प्लस फोर पी ये कितना हो जाएगा समझ पा रहे हैं माइनस फी प्लस फोर पी ये हमारा थ्री पी का लोड हो जाएगा दिस विल बी थ्री पी और ये थ्री पी यहाँ पे यूनिफॉर्मली थ्री पी लोड एक्ट कर रहा होगा तो अब जब आप चाहें तो रिएक्शन भी यहाँ से निकाल सकते हैं इस एंड पे एंड पे रिएक्शन जो आएगा वो कितने का आएगा थ्री पी का इस डायरेक्शन में आ रहा होगा राइट बच्चे किसी का भी नहीं आया था क्या अब देखो ये थ्री पी आ गया ये थ्री पी आया मतलब सर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव <coughs> आ रही है बात समझ में समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बात आ रही है ना समझ में अब वेरी गुड आ गई तो अच्छी बात है अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो से आपको कैलकुलेट कर लेना है मैक्सिमम और मिनिमम अब देखो मैक्सिमम मिनिमम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो ऐसा कंडीशन है कि ये जो लोड है यहाँ से देखो ये लोड जो आपका एक्ट कर रहा था यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि सर जब सिग्मा कैलकुलेट करते हैं ये सिग्मा होता है लोड यू नो पर यूनिट एरिया यही होता है ना लोड पर यूनिट एरिया का मतलब है देखो एरिया तो क्रॉस सेक्शन का सेम है डायमेंशन सेम है डायमीटर सेम है तो एरिया तो सेम है इस पोर्शन में बात कर लो या इसमें बात कर लो या इसमें बात कर लो एरिया तो सेम ही है ना हमारा बट लोड क्या है तो लोड जो है यस प्री पी कैसे होगा अच्छा आते हैं इसका पूछना है शेखर का पूछना है कि सर थ्री पी कैसे होगा देखो फिर से सुन लो यहाँ फिर से ध्यान दीजिए इस सेक्शन पे डी पे एक लोड एक्ट कर रहा है पी अमाउंट का लोड एक्ट कर रहा है है ना और इसका नेचर कैसा है टेंसाइल है तो टेंसाइल लोड को हमेशा हम, हम लोग पॉजिटिव मानते हैं है ना टेंसाइल लोड को कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव लेने का मतलब है जब लोड डायग्राम आप ड्रॉ करोगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से तो ये जो है ऊपर आएगा है ना इसकी मैग्नीट्यूड कितनी P अब D से C तक पूरा का पूरा P है D से C तक पूरा P है बीच में और कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा था तो D से C तक आप आए तो P P लोड दिख रहा था अब फिर आपने देखा कि सर C पे जैसे ही पहुंचे ना तो C पे 2P का एक कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है C देखो हमने बोला कि सर जब लोड कैलकुलेट कर रहे हैं इस D के ऊपर तो टेंसाइल लोड P अमाउंट का हमने ये बोला कि सर जैसे ही सी पे आए ना तो सी पे एक लोड एक्ट कर रहा था पी और सी पे जैसे आप पहुंचे तो आपने ये देखा कि सर टू पी का कॉम्प्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है ठीक है तो टू पी का कॉम्प्रेसिव लोड का मतलब है पी माइनस टू पी है ना माइनस टू पी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये कंप्रेशन है तो क्या हो जाएगा माइनस टू पी ले रहा हूँ अब देखो ये माइनस पी का लोड एक्ट कर रहा है सी पे आपने लोड देखा कि सर माइनस पी का लोड एक्ट कर रहा है माइनस पी मतलब देखो ये अब इसका लोड का जो है डायरेक्शन चेंज हो गया मैग्नीट्यूड तो सेम है डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब पी अमाउंट ऑफ लोड यहाँ तक इसके वजह से और फिर माइनस पी अमाउंट ऑफ लोड इस टू पी के कंप्रेसिव लोड के वजह से तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो पी का एक कंप्रेशन जो है ये आ रहा होगा और इस वजह से यहाँ पे हमने लोडिंग डायग्राम क्या किया सर पी अमाउंट तो दिखाया पर ये नेगेटिव दिखाया है फिर सी से बी के बीच और कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है तो सी से बी के बीच कॉन्स्टेंट लोड होगा पी का नेचर कैसा कंप्रेसिव आप बी पे पहुंचे लोड कैसा पी अब जैसे आप बी पे पहुंचे यहाँ पे आप देखो मैंने बोला कि सर यहाँ से सी तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया फिर लोड बी पे जब आप पहुंचे तो इस केस में माइनस पी का एक कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा था फिर जब आप बी पे पहुंचे तो यहाँ पे आपने देखा कि सर फोर पी का एक टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है तो फोर पी का टेंसाइल लोड का मतलब क्या हो जाएगा माइनस पी प्लस फोर पी अरे यस और नो थ्री पी होगा ना बच्चे बात आ रही है समझ में तो B पे माइनस पी का और थ्री पी का एक लोड एक्ट कर रहा है थ्री पी कैसा तो टेंसाइल है तो इस वजह से हमने क्या किया इसको ऊपर दिखाया है तो थ्री पी ये लोड एक्ट कर रहा था यहां पे तो नेट लोड जो है इस सेक्शन के ऊपर थ्री पी का अगर आ रहा है तो रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा इसके ऊपर ये थ्री पी का लोड क्या कर रहा होगा इस पूरे पोर्शन को ए बी को खींचने की कोशिश कर रहा होगा और अगर खींचने का कोशिश कर रहा होगा पुल करने की कोशिश कर रहा होगा तो आपने इस एंड को जब फिक्स कर रखा है तो ये फिक्स्ड एंड के वजह से ये मूव नहीं होगा और मूव नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा क्योंकि सर थ्री पी का इस केस में यहां पर रिएक्शन रिएक्टिव लोड है जो है वो एक्ट कर रहा होगा इज इट क्लियर किसी को डाउट तो नहीं है ना बच्चे यहां तक तो क्लियर है इज इट ओके अभी समझ में आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे ही लोडिंग डायग्राम इस तरीके से ना आप या तो सेक्शन मेथड से निकाल लो या फिर एक्जियल लोडिंग डायग्राम से लोड डायग्राम से भी आप क्या कर सकते हैं ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है आई न्यू दैट इसी वजह से मैंने क्वेश्चन जो है आपको दिया था आई न्यू कि बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन दिया था ठीक है अब अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है पहला है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू नीड टू कैलकुलेट सिग्मा मैक्स व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट मैक्स जब सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करेंगे ना मैक्सिमम स्ट्रेस बता दो कौन से केस में मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा देखो हमने बोला कि सर लोड पर यूनिट एरिया यही तो हमारा स्ट्रेस कहलाता है और अगर ये एक्सियल स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं लोड पर यूनिट एरिया जहां पे एरिया हमारा कांस्टेंट है ये एरिया अगर हमारा कांस्टेंट है राइट right, तो जिस भी पोर्शन में लोड मैक्सिमम होगा उस केस में हमारा स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा होगा तो अब मुझे एक चीज बता दो कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ दिख रहा होगा आपको ये देखो मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा ए बी में दिख रहा होगा और ए बी वाले पोर्शन में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है दिस विल बी इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया थ्री पी का लोड और एरिया विल बी पाई बाई फोर डी स्क्वायर राइट ये कितना आ जा रहा है ट्वेल्व पी बाई पाई डी ये आपने क्या किया मैक्सिमम स्ट्रेस आपने कैलकुलेट किया मिनिमम स्ट्रेस देख लो कितना होगा अगर मैं बात करूं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज एक तो देखो यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि सर सी डी पोर्सन में और बी सी पोर्सन में लोड सेम है बट नेचर लोड का कैसा है नेचर लोड का डिफरेंट है तो सिग्मा मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि सर बी सी पोर्शन में तो सिग्मा बी सी कैसा है कंप्रेसिव है मतलब माइनस लोड कितना है पी अमाउंट ऑफ लोड एक्ट कर रहा है बाई फाइव बाई फोर डी स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ फोर पी पाई डी स्क्वायर राइट ऐसा है सिमिलरली सिग्मा मिनिमम और आप देख सकते हैं कि सर बी सी सी डी पोर्शन में भी सेम है ई डी पोर्सन में भी सेम है ई डी का मतलब लोड अब कैसा है टेंसाइल है और पाई बाई फोर डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो यहाँ से फोर पी फाई डी स्क्वायर आप कैलकुलेट दोनों कंडीशन में लोड हमारा मिनिमम है इसको तो देखने की बात भी नहीं है क्योंकि लोड मिनिमम है तो ऑब्वियसली क्या होगा ये जो है आप कह सकते थे बी सी और सी डी पोर्सन इस एक्सियल लोडिंग के वजह से जो एक्सियल स्ट्रेस आ रहा था इस वजह से क्या हो रहा था ये सेफ हो जाएगा हमें क्या देखना है हमारा क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है तो ये वाला सेक्शन है क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है तो जब भी आप सेफ डिज़ाइन करोगे ना डिजाइन करने के वक्त आपको ये ध्यान में रखना है इस इस वाले पोर्शन को हमें क्या करना है सेफ रखना है गुड मॉर्निंग आ गई बात समझ में बात आई समझ में अब सेकेंड केस है सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा, सिग्मा मिनिमम तो निकाल लो ही ना ये निकाल लो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूँ तो एक ट्वेल्व बाई डायरेक्टली आप निकाल सकते थे हाँ लोड जो है लोड कंडीशन यहाँ पे ट्वेल्व पी बाय पाई डी स्क्वायर है और ये आपका आ रहा है फोर पी बाय पाई डी स्क्वायर राइट ये फोर पी बायी स्क्वायर तो यहाँ से कितना आ जा रहा है थ्री तो यहाँ से आप सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का रेशियो टी कैलकुलेट कर लेते हैं राइट right? डेल्टा टोटल निकल जाएगा डेल्टा टोटल आ जाएगा क्या बच्चे डेल्टा टोटल विल बी इक्वल टू हाउ मच वन टू थ्री तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री है ना डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री ये आ रहा है तो जब डेल्टा टोटल ही आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ये आ जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री और फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट टोटल डिफॉर्मेशन चलो कैलकुलेट करो जल्दी से फटाफट जल्दी से कैलकुलेट कीजिए आंसर बताइए कितना आ रहा है क्विकली टोटल डिफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपको टोटल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है जल्दी से कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट करो पी एल बाई से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है मटेरियल हमारा सेम है मतलब ई e हमारा सेम है जल्दी से कैलकुलेट कर लो और बता दो कितना आएगा <coughs> आया ना वेरी गुड गुड चलो तो जल्दी से डेल्टा टोटल डिफॉर्मेशन निकालो फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए आंसर बता दीजिए नहीं आएगा अरे बच्चे क्या है इसमें ये बताओ डेल्टा वन मतलब पी एल बाई अरे ये ये इसमें कुछ है क्या एक्स्ट्रा पी एल बाई ए ई वन सेक्शन में पी एल बाई ए ई पी एल बाई ए ई ऐसे निकालते हैं ना डेल्टा ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो <coughs> लोड एक में थ्री पी था एक में माइनस पी था और दूसरे सेक्शन में पी था देखो ये देख लो यहाँ पे ये लोड हमारा क्या था पी था यहाँ पे ये क्या है सॉरी uh, ये लोड हमारा थ्री पी है यहाँ पे इस सेक्शन में थ्री पी है इसमें माइनस पी है और इसमें पी है लोड देख लो ना तो अब जब आप और एरिया सेम है ई e सेम है एरिया सेम है मटेरियल सेम है तो यहाँ से आप कह सकते थे और लेंथ भी सेम है देखो एल लेंथ तीनों में बराबर है तो लेंथ को बाहर ले लेते हैं कॉमन एरिया को बाहर ले लेते हैं ई e को बाहर ले लेते हैं और जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा थ्री पी एक में कंप्रेसिव है माइनस पी का ये प्लस पी ठीक है ये कैंसल आउट हो जाएगा आपस में और जब आप लोड कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा TP पी इंटू एल बाई ए राइट एरिया पुट कर दो ये आपका पता है आपको जस्ट यू विल कैलकुलेट दिस यहाँ से आपका आंसर आ जाता है ये क्या हो जाएगा दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज थ्री इंटू पी एल एरिया अब हमारा क्रॉस सेक्शन का पाई बाई फोर डी स्क्वायर है इन टू ई तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे क्या जाता है ट्वेल्व पी एल बाई पाई डी स्क्वायर तो आता है नहीं आता है समझ में आया बच्चा आया किसी का आंसर चेक दिस आउट सेम आ रहा है या कुछ और आ रहा है कैलकुलेट करके बताइए <coughs> सेम आ रहा है चलो कुछ गेट के क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं ठीक है गेट के क्वेश्चंस करते हैं फिर हम लोग बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन और एक कुछ और केसेस जो हम लोग सीरीज में देखेंगे फिर हम लोग पैरेलल में मूव करेंगे ठीक है चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से अभी हमने क्या किया था ना अभी तक तो हमने एक ही एंड को फिक्स किया है नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों एंड को फिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि उस केस में क्या कंडीशन होगा ठीक है का केस देखा था अभी हम लोग कंपाउंड के केस देखेंगे पहले उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से बता दो इसका आंसर क्विकली आ गया माइनस टेन माइक्रोमीटर आ रहा है चलो देखो यहाँ से वैसे ही मैंने आपको बताया था कि लोड डायग्राम बना लो और यहाँ से कैलकुलेट कर लो जब लोड डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक्शन के ऊपर देखिएगा बच्चे ध्यान से देखना है इस चीज को जैसे देखो यहाँ से जब हम बात करते हैं देखो तो यहाँ पे फिफ्टी न्यूटन क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक्ट कर रहा है कैसा है नेचर टेंसाइल है यहाँ से आप बोलोगे कि सर ये फिफ्टी न्यूटन का टेंसाइल लोड एम के एल एम एन है ना के एल एम एन सेक्शन के ऊपर फिफ्टी न्यूटन का टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है फिर यहाँ पे जैसे ही आप एम पे आए तो आपने देखा कि सर कंप्रेसिव लोड माइनस टू हंड्रेड का एक्ट कर रहा था तो ये कितना हो जाएगा नीचे आएगा एक सौ पचास का और यहाँ पे 150 कंप्रेसिव लोड 150 न्यूटन का फिर इस सेक्शन पे आप जब आओगे तो माइनस वन प्लस टू कितना 100, और यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये 100 का प्रोडक्ट तो कर रहा है ठीक है ना मतलब ये 100, ये 50 न्यूटन इस सेक्शन में और यहाँ पे 150 नेगेटिव है और ये 100 पॉजिटिव है राइट तो पूछा क्या गया था टोटल चेंज इन लेंथ फटाफट निकाल लो जल्दी से सर इस केस में ये डेल्टा वन ये डेल्टा टू और ये डेल्टा थ्री है राइट तो जब हम टोटल डिफॉर्मेशन निकालेंगे टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा वन विल बी इक्वल टू डेल्टा विल बी इक्वल टू आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए बच्चे पढ़ाई वढ़ाई में ठीक है ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट को फिर स्टॉप करना पड़े ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट सिर्फ आके पूछने से थोड़ी होगा कि सर क्वेश्चन पूरा सब्जेक्ट चलेगा क्या अरे इस लेवल पे क्वेश्चन बता रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं चीज़ों को और फिर भी अगर तुम लोग का परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा लाइव सेशन अटेंड नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा फिर अननेसेसरी की फिर तो फिर हम लोग जो पढ़े हुए बच्चे हैं ऑलरेडी गेट में अच्छे स्कोर लाए हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेशन हम लोग करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे अगर आपको एकदम लगता ही नहीं है कि गेट में अभी दो से बहुत दूर है ऐसा सोच करके अगर कर रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है समझ में आ रहा है बहुत ही पुअर मतलब ऐसा दिख रहा है ना आप लोगों का लाइफ से प्रेजेंस दिख रहा है ये बहुत ही सीरियसली मैं बता रहा हूँ नम एजुकेटर के लिए थोड़ा सा ये डीमोटिवेटिव करने वाला बात होता है अदरवाइज अगर आप ऐसे ही इस तरह से आओगे तो फिर कैसे होगा आओगे नहीं बनेगा अरे यार रेगुलर रहो तब तो रेगुलर स्टूडेंट यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना रेगुलर जो आ रहे हैं उनका परफॉर्मेंस दिख रहा है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं बट जो आप रेगुलर ही नहीं रहोगे क्लास नहीं आओगे तो क्या होगा फिर तो कुछ होगा ही नहीं कुछ तो होना ही नहीं है फिर मतलब मैं तो यही कहूंगा फिर तो गेट की तैयारी क्या करना राइट वेरी नाइस वेरी पुअर डेल्टा वन जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा हमारा पी एल बाय वन डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पी एल बाई ए क्रॉस सेक्शन मटेरियल दोनों का सेम है एरिया अब तो क्रॉस सेक्शन सेम है है ना एरिया ट्वेंटी फाइव एम एम गिवन है तो यहाँ से एरिया और ई e को हम बाहर ले, ले लेते हैं हो जाएगा E1 वन एल वन टू एल टू थ्री एल टू ऐसा होगा एरिया हमारा कितना है ट्वेंटी टू हंड्रेड मतलब टू दावर थ्री एल वन का मतलब है बच्चे लोड हमारा हंड्रेड इस केस में देखो यहाँ लेंथ हमारा फाइव हंड्रेड माइनस दिस इज वॉट ये 500 सौ चार सौ मतलब ये आठ सौ कितना है लोड एक सौ पचास वन फिफ्टी वन फिफ्टी प्लस पी थ्री कितना होगा पी थ्री यहाँ से देख लो पी थ्री विल बी इक्वल टू फिफ्टी इंटू एल थ्री कितना है तो फोर हंड्रेड राइट सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है सॉल्व कर लो टेन टू द पावर थ्री यहाँ से कॉमन ले लो ठीक है यहाँ से टेन टू द पावर थ्री कॉमन ले लो तो क्या होगा यहाँ से जब हम टेंथ टू द पावर थ्री कॉमन ले लेते हैं वन बाई ट्वेंटी फाइव इंटू टू हंड्रेड टेंट टू दावर थ्री केस में मैंने क्या किया टेंथ टू दावर थ्री कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा आपका पाँच ये आ जाएगा आपका पंद्रह एक सौ बीस और ये हो जाएगा जस्ट yes. कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ट दिसनस टेन माइक्रोमीटर आ रहा है ऐसा अगर कोई एजुकेटर मतलब इतना क्या ही बोलू क्या ही मैं बोलू आपका जो परफॉर्मेंस देख के ना क्या ही मैं बोलू चलिए ठीक है चेक दिस आउट कितना आ रहा है कैलकुलेट तो कर लो अपने साइड से ये भी मैं ही करूं कुछ और तो था नहीं इसमें यही तो करना था नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी कर लो बच्चे हो जाएगा जस्ट <coughs> इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन वन का आंसर क्यों नहीं आया आ जाएगा कुछ तो और है नहीं इसमें करना ना कुछ स्पेशल इस तो इसमें करना ही नहीं है ना क्या बच्चे लोड डायग्राम बना लो कैलकुलेट कर लो अब ये तो बहुत आसान है यहाँ से भी जब आप एक्सियल लोडिंग डायग्राम ड्रा करोगे ये क्या हो जाएगा जब आप यहाँ से देखोगे ट्वेंटी वन न्यूटन का जो लोड है वो क्या कै, कैसा एक्ट कर रहा है कंप्रेसिव है मतलब नीचे है ना डाउनवर्ड माइनस ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी फोर्टी नाइन का जो टेंसाइल है मतलब यहाँ से ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट प्लस थर्टी फाइव यहाँ तक तो ट्वेंटी एट ही रहेगा प्लस थर्टी फाइव या सिक्सटी थ्री का बस खत्म है मामला हो जाएगा अब निकल जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर एब्सोलूटली करेक्ट यहाँ से ये ट्वेंटी वन नेगेटिव ये हमारा ट्वेंटी एट पॉजिटिव और ये सिक्सटी थ्री राइट ये पॉजिटिव आ रहा है ठीक है डेल्टा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सिमिलरली वैसे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री प्रोससेक्शन एरिया ए और ई e हमारा सेम हैल है e अच्छा यहाँ से एल लेंथ ऑफ द बार इज ऑल्सो गिवेन क्या क्या पूछा गया था अच्छा वैल्यू पूछा गया स्ट्रेस की वैल्यू पूछी गई है ना कि टेन की, की यहाँ पे पूछा गया है वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन सेगमेंट क्यू आर क्यू आर सेगमेंट पे इस केस में आपको स्ट्रेस पूछा गया है तो क्यू आर सेगमेंट में स्ट्रेस जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा लोड इन क्यू आर बाई एरिया है ना लोड क्यू आर का कितना है ट्वेंटी एट और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज गिवन ट्वेंटी एट किलो न्यूटन मतलब ट्वेंटी एट इन टू ट्वेंटी टू पार थ्री और ये सेवन हंड्रेड गिवन है तो कितना आ जाएगा फोर्टी मेगा पाथ आ जाता है एब्सोल्युटली करेक्ट ए इज द राइट आंसर है ना ए विल बी द राइट आंसर दू चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करी पुअर देखो यहां से नेक्स्ट हम अगर बात करें नेक्स्ट केस में तो हम बात कर रहे हैं कि सर हमने क्या किया है बार को फिक्स कर दिया बार फिक्स्ड, बार फिक्स्ड एट बोथ द साइड्स, बार फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एट बोथ एंड्स, हमने क्या किया बार को दोनों तरफ फिक्स कर दिया अब जब आप केस देखे थे कि एक एंड फ्री था दूसरा फिक्स था वो स्टेप बार का केस था अभी हम लोग बात करेंगे कंपाउंड बार्स केस में राइट right? कंपाउंड बार right? के राइट कंपाउंड बार के केस में क्या होगा जब हम यहाँ से बोले कि सर एक एंड को हमने क्या किया दोनों एंड को हमने फिक्स कर दिया है वी हैव फिक्स्ड बोथ द एंड्स दोनों एंड को हमने फिक्स कर दिया है राइट right? ऐसा है हमने क्या किया दोनों एंड को फिक्स कर करेक्ट ऐसा है दोनों एंड को हमने फिक्स किया और आप बोलोगे कि सर एक एंड पे हमने क्या किया यहाँ पे इस इस कंपाउंड बार के ऊपर यू आर जस्ट अप्लाइंग अ लोड और ये लोड जो है मैंने बोला सर ये जो लोड आपने बोला है ये कितना लोड है आप बोलोगे कि सर पी अमाउंट ऑफ लोड यूर यू आर ऐसा है दिस सेक्शन दैट यू आर गोइंग टू कंसीडर ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये मैंने बोला सर ये ए बी और सी ऐसा है अब देखो ये जो केस आप पढ़ रहे हो ना स्टडी कर रहे हो ये स्टेप बार का केस है अब हमने क्या कहा कि सर दोनों एंड को हमने फिक्स कर दिया है बोथ एंड्स को हमने फिक्स कर दिया है इस केस में अभी तक हमने क्या देखा था एक एंड फिक्स था दूसरा फ्री था यहाँ पे दोनों एंड को हमने फिक्स कर दिया है और इस केस में जब हम स्टडी कर रहे होंगे कंपाउंड बास का केस है इस केस में जब हम स्टडी कर रहे होंगे इन दिस केस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट तो सर इस केस में ऑब्वियसली देखो यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहा होगा वो इस एंड पे ऐसा रिएक्शन आ रहा है इस एंड पे कैसा आएगा इन दिस केस देखो ना जिस डायरेक्शन में लोड है तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एंड पे रिएक्शन आएगा तो आप बोलोगे सर रिएक्शन इस केस में आर ए का यहाँ पे और आर सी का कंप्रेसिव रिएक्शन यहाँ पे आ रहा होगा राइट right. ये केस क्या है कंपाउंड बार का है ठीक है सेक्शन मैंने ये वन मान लिया ये टू मान लिया अब जब हम बात करते हैं इन दिस केस मैन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सी जब मैं बोलूं कि सर लोड जब आप इस सेक्शन में कैलकुलेट करोगे पी वन वाले सेक्शन में ये लोड कितना हो जाएगा पी वन विल बी इक्वल टू हाउ मच यू विल से दैट कि सर दिस पी वन एट दिस सेक्शन विल बी इक्वल टू जो रिएक्शन आ रहा होगा आर ए का करेक्ट आर ए का रिएक्शन सिमिलरली जब पी टू हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो पी टू विल भी इक्वल टू हाउ मच देखो ना सी <coughs> हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ना टोटल लोड हमारा यहाँ पे पी अमाउंट ऑफ लोड विच इज एक्टिंग राइट इस सेक्शन के ऊपर एक्ट कर रहा था व्हाट आई एम सेइंग मैं से बोल रहा हूं कि सर यहां पे पी अमाउंट ऑफ लोड एक्ट कर रहा था इस एंड पे कंपाउंड बार के केस में आपने देखा कि इस फिक्स्ड एंड के ऊपर जो रिएक्शन आ रहा था वो आर ए का रिएक्शन आ रहा था जिस डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन एक्ट करता है ये तो हमें पता है अब हम क्या कर रहे हैं पी वन कैलकुलेट कर रहे हैं सर रिएक्शन इस केस में क्या होगा आर ए का करेक्ट पी टू जब आप कैलकुलेट करेंगे ये लोड जब आप कैलकुलेट करोगे यहां से ये पी वन हमने बोला कि सर आर ए ये पी वन इस सेक्शन के ऊपर हमने क्या बोला पी वन इज हाउ मच दिस इज हाउ मच आर ए का ये हम बोल रहे हैं कि सर आर ए दिस इज पी टू विच इज एक्टिंग हियर इट इज क्या तो आप बोलेंगे आर सी माइनस आर सी माइनस मैं ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लोड कैसा है रिएक्शन कैसा है कंप्रेसिव है नेचर कैसा है रिएक्शन का कंप्रेसिव इन नेचर एंड ऑल्सो दिस कैन ऑल्सो एज देखो जरा से यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना माइनस आर सी का मतलब है देख लो ये जो नेट रिएक्शन आ रहा होगा लोड की वजह से ये पी ए माइनस आर ए का है ना तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी ए माइनस आर ए और दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न आर ए माइनस पी करेक्ट है आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा राइट right. तो अब मुझे एक चीज़ बता दो ना आप सब जल्दी से बताइए कि नेट फोर्स अगर मैं समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स के अलॉन्ग मैं ज़ीरो करूं नेट फोर्स अगर मैं एक्स के अलॉन्ग ज़ीरो करूं तो ये कितना हो जाएगा यू विल से दैट सर नेट फोर्स जब हम एक्स के अलॉन्ग जीरो करते हैं ना तो ये हमारा आ जाएगा देख लो यहाँ से यू कैन से सर ये आर ए ठीक है इस डायरेक्शन में आर ए प्लस आर सी विल बी इक्वल टू दिस लोड पी होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा अब आर ए आर सी आपने कैलकुलेट किया इस इस केस में एक इक्वेशन हमारे पास है और हमारे पास दो अननोन है तो दो अननोन और एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता था तो इस कंडीशन से हम लोग इस ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार कैसा कंडीशन होता है ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार का कंडीशन है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार राइट Bar. Yeah, है, right? so, जब की हम बात करते हैं यहां से जब हमने बोला कि सर ये स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट का केस है वेर आर ए प्लस आर इक्वल टू पी नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दॉट रिएक्शन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्योंकि हमारे पास एक सिर्फ इक्वेशन है और दो हमारे पास क्या है रिएक्शन है हमने क्या बोला कि एक हमारे पास फोकस यहाँ पे होना चाहिए जस्ट जो भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा रिकॉर्डेड सेशन को बाद में आप देख सकते हैं रिपीटेडली एक ही चीज़ को चिल्ला चिल्ला के बोलूँ और फिर बाद में बोलते हो कि सर समझ रिपीट प्लीज ये कैसे मतलब कहीं चले जाते हो घूमने के लिए और बाद में आओगे यहाँ पे क्योंकि आपका प्रेजेंस यहाँ पे ऑनलाइन में तो दिखता नहीं है ना आप आज जाओगे कहीं बाहर फिर यहाँ पे आओगे और फिर बोलोगे कि सर की रिपीट प्लीज तो ऐसे थोड़ी ना होता है बच्चे बाकी भी तो बच्चे हैं ना यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो क्लास में प्रेजेंस होना चाहिए अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे तो फिर चीट करना होगा अपने एजुकेटर्स आपका प्रेजेंस अगर यहाँ नहीं अभी कहीं घूम के आए फिर बोलोगे कि सर देखो यहाँ से समझो मैंने बोला कि ये जो कंडीशन है वो कंपाउंड बार का बड़े ध्यान से समझना हमने बोला कंपाउंड बार का मतलब है कि दोनों एंड हमने फिक्स कर दिया अब इस सेक्शन के ऊपर हमने एक लोड अप्लाई किया पी अमाउंट का तो जब आप लोड अप्लाई करोगे पी अमाउंट का तो यहाँ से क्लियरली देख के बता सकते हो कि सर ये जो रिएक्शन आ रहा होगा जिस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया है पी अमाउंट का इस केस में फिक्सडेंट के ऊपर आर ए का एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगा और पी यहाँ पे देखो ये जो लोड है इस सेक्शन के ऊपर अंदर की तरफ इसको पुल करना चाहेगा तो अब आर सी का जो रिएक्शन आएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब कंप्रेसिव रिएक्शन ठीक है अब ये P1 हमने बोला कि सर आर है और P2 ये आर सी और नेचर कैसा था कंप्रेसिव था इस वजह से हमने बोला माइनस आर सी माइनस आर सी को कैसे लिख सकते थे देखो आर सी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली तो दिस लोड विल बी इक्वल टू P माइनस आर है ना माइनस ऑफ P माइनस आर ये हो जाएगा आर ए माइनस पी का करेक्ट अब मैं बोलता हूँ कि सर जब टोटल यहाँ से जब हम यहाँ पे नेट फोर्स अगर एक्स जीरो करते हैं तो देखो ये जो दो लोड्स एक्ट कर रहे हैं रिएक्शन आ रहे होंगे ये रिएक्शन का समिशन इस लोड के अप्लाई अप्लीकेशन के बराबर होगा मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आर ए प्लस आर सी हमारा पी होगा बिल्कुल होगा और आर ए प्लस आर सी को हमने पी लिखा यहाँ पे अब ये कंडीशन है जहां पे हमने बोला कि सर हमारे पास दो अननोन है अननोन कौन कौन सा आर ए और आर सी का अनोन है और एक इक्वेशन है हमारे पास तो जब एक इक्वेशन है दो अननोन है तो सॉल्व कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है सॉल्व सॉल्व पॉसिबल नहीं है तो हब, अब हम क्या करने वाले हैं अब हम कंडीशन देखने वाले हैं सर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का केस राइट right? अब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का मतलब ये इस 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 बार को ना स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट इसलिए बोल रहे हैं ना कि यहां पे हमारे पास दो अननोन है बट एक ही इक्वेशन है तो इस केस में स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट केस कहलाता है व्हेन ओनली वन इक्वेशन इज देयर एंड टू अननोन्स आर देयर ठीक है तो इस केस को हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार कहते हैं इसको लिख लेना कहीं पे राइट बच्चे अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे कुछ नहीं यहां से अब हम करने वाले हैं ये कि इस केस को हमने क्या करना है आर ए प्लस आर सी ये हमारा पी आ रहा है ना अब एक इक्वेशन आपको देखना वो इक्वेशन क्या हो सकता है वो इक्वेशन हो सकता है हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन कहते हैं मतलब कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन के केस में आप यहाँ से देखिएगा दिस इक्वेशन क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन दो अननोन मैं बार बार कह रहा हूं एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कैसे होगा नहीं सॉल्व हो सकता था तो अब दूसरा इक्वेशन हम यूज करेंगे वो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन होता है कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन का मतलब क्या है आई एम गोइंग टू टॉक कि सर इक्वेशन जरा समझना इस चीज को कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन राइट ये क्या कहलाता है कॉम्पैटिबिलिटी की बात जब भी हम करेंगे ना तो हम बात करने वाले हैं डेल्टा से रिगार्डिंग डिफॉर्मेशन के रिगार्डिंग देखो हम ये बोले कि लोड के एप्लीकेशन की वजह से इसके अंदर डेल्टा वन और इसके अंदर डेल्टा टू का डिफॉर्मेशन हुआ तो देखो टोटल डिफॉर्मेशन जब आ, बात करोगे सपोर्ट जब आपने प्रोवाइड कर रखा है तो इस बार के अंदर टोटल डिफॉर्मेशन तो जीरो होगा तो यहां से हम ये कह सकते हैं ना कि सर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इस केस में जीरो होगा राइट ये इक्वेशन हमारा टू कहलाएगा राइट ऐसा होगा या नहीं होगा तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इस केस में हमारा जीरो है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ से डेल्टा वन और डेल्टा टू के बीच अगर रिलेशन देखें तो क्या आएगा तो यहाँ से आप कह सकते हैं प्रेजेंस यहाँ होना चाहिए ऐसा नहीं कि कहीं चले गए फ़ोन आया या कहीं बिजी हो गया फिर आके बोलते हो कि सर प्लीज़ समझा दीजिए प्रेजेंस आपका यहाँ पर होना चाहिए बच्चे ठीक है तो डेल्टा वन विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा टू नाउ ये आपने निकाला डेल्टा वन को हम लिखते हैं क्या लिखते हैं डेल्टा वन को हम लोग लिखते हैं पी वन एल वन बाई ए वन ई वन ऐसे लिखते हैं ना सिमिलरली डेल्टा टू विल भी इक्वल टू ये माइनस पी टू एल टू बाई ए टू ई टू अब देख लो यहाँ से एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन सेम है मटेरियल हमारा सेम है सेम ही मटेरियल का ये बना हुआ है तो ए वन ए वन ई वन और ए टू ई टू ये तो बराबर है ये कैंसल आउट हो जाएगा राइट right? तो यहाँ से जब आप सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन ई वन इंटू एल वन विल भी इक्वल टू माइनस पी टू इंटू एल टू P1 वन आपने देखो यहाँ कैलकुलेट किया है ये कितना है आर ए आर ए इंटू एल एल वन मतलब एल माइनस ऑफ पी टू अभी आपने कैलकुलेट किया पी टू कितना है आर ए माइनस पी आर ए माइनस पी इंटू ये डिस्टेंस कितना है अच्छा ये डिस्टेंस ना मैं ऐसे ले लेता हूँ ये एल है और ये टोटल ये टू एल है ठीक है राइट ये टू एल मैंने मांगा कितना हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू आर ए माइनस पी इंटूस होगा <coughs> अब आपको एक आइडिया लग रख गया होगा कि सर यहाँ से हम एक आर ए को कैलकुलेट कर सकते हैं ये एल से एल कैंसल आउट एंड फ्रॉम हेयर व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस दिस विल बी इक्वल टू आर ए सॉल्व कर लो माइनस ऑफ टू टाइम्स आर ए माइनस माइनस प्लस टू पी ऐसा आता है जब आप सॉल्व करते हैं थ्री इंटू आर ए ये आ जाता है टू पी आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू पी बाई थ्री ये आर ए आपने कैलकुलेट कर लिया आर बी के आर सी कैसे कैलकुलेट आर बी कैसे कैलकुलेट करेंगे आर सी कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सेक्शन के ऊपर तो आर सी जो है सर इस इक्वेशन से देखो कैलकुलेट कर लेंगे आर सी क्या हो जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन इक्वेशन वन दिस विल बी इक्वल टू पी माइनस आर एंड आर ए आपने कैलकुलेट कर लिया है जाएगा? बात आ रही है समझ में शेखर समझ में आया तुमको ये चीज समझ में आया या नहीं, नहीं आया क्लियर है ना पी बाई थ्री टू पी बाई थ्री राइट स्टैटिकल इंडिटर्मिनेट का केस जो है यहां से आप कैलकुलेट कर सकते इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी है शॉर्ट मेथड भी है कैलकुलेट करने का कि इसको शॉर्ट तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल मेथड से एक तरीका जो है इसको देखो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते थे कैसे अगर मुझे कैलकुलेट करना है ना यहाँ पे रिएक्शंस है ना लेटेज तो सपोज अगर हमें आर ए कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखिएगा तरीका एक तो वैसा था जब आपने कैलकुलेट किया ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन आएगा तो उस तरीके से इतना यू नो डिटेल में ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है टू एल टू एल और एल क्या अरे बच्चा टू को मैं कहाँ कैंसिल किया हूँ ये एल है ये टू एल है राइट दिस इज एल और ये टू एल एल से एल मैंने कैंसिल किया है समझ तो में आ रही है बात एल से एल मैंने कैंसिल किया टू तो अभी मैंने लिया है ना यहाँ पे, माइनस टू आर ए प्लस टू पी ये तो कंसिडर किया है ना मैंने अरे बच्चे क्या क्या कह रहे हो तुम समझ तो में आ रही है बात अभी क्लियर है एल से एल कैंसिल हुआ है. एल एंड एल आर गेटिंग कैंसिल टू तो मैंने लिया ना ये टू तो है यहाँ पे टू मैंने कंसिडर किया है मल्टीप्लाई किया हाँ राइट right? अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से कर लें क्या सॉल्व शॉर्ट तरीके से कर लें क्या सॉल्व चलो ये कल हम लोग देखेंगे ठीक है कल हम लोग बात करेंगे कल हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर ठीक आज का सेशन यहीं पे कर, कर, you know, करते हैं शॉर्ट तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने का तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और एनी वन ऑफ यू दूस कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू वांट टू यूज माय कोड पी के जीरो ले सकते हैं कल मिलते हैं थैंक